जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कक्षा 10 वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप सामाजिक विज्ञान की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप वीडियो नहीं डालते हो, अब आपको रेगुलरली वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब सब कुछ कर लो यार। चलिए देखते हैं, यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद पूरा अच्छे से समझाएंगे। देखिए सबसे पहला है आपका फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आ जाता है, हर साल तो नहीं बोलूंगा लेकिन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से भाई दूर रहना जो बोलते हैं कि बस यही क्वेश्चन आ जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई मैं अंतर्यामी नहीं हूं बिल्कुल भी, हाँ आ सकता है, ठीक है। तो देखिए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति आप बता सकते हैं कब हुई थी। पहला विकल्प है आपका 1787 ईस्वी, दूसरा 1788, 1789 और 1790। तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये विकल्प आपका सही है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है। तो बस आप पागल मत बना करो, थोड़ा सा कम बना करो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो कि बोलते हैं बस यही क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो क्या आप बता सकते हैं कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। पहला है जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड। तो आप बता सकते हैं, तो फ्रांस सबसे प्रसिद्ध है, आप जानते होंगे, तो भाई फ्रांस ही तो होगा, तो फ्रांस आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका पुनर्जागरण युग का अभ्युदय कहाँ हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं आगे और भी क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरी प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी है, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। देखिए यहाँ पर क्या है, रोम, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, कहाँ पर पुनर्जागरण सबसे पहले हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई आपका इटली में पुनर्जागरण सबसे पहले हुआ था। पुनर्जागरण का मतलब आप समझ रहे हो ना, आपके मतलब पुराने वाली जो बुक थी उसमें था पुनर्जागरण चैप्टर ही था पूरा, लेकिन इसमें हटा दिया गया, बस इतना पूछ लिया गया है। तो पुनर्जागरण पूछ सकता है, ठीक है, पुनर्जागरण है नहीं लेकिन पूछ सकता है भाई पुनर्जागरण का अभ्युदय कहाँ पर हुआ, तो इटली पर हुआ सबसे पहले, ठीक है। तो ये है आपका, आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका कि भाई प्रश्न नंबर 4, 1789 ईस्वी की क्रांति के समय फ्रांस में किसका शासन था, मतलब कि फ्रांस में जो शासन था वो किसका था, ये पूछा गया है 1789 ईस्वी की जब क्रांति हुई। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, लुई चौदहवां, लुई सोलहवां और लुई पंद्रहवां नेपोलियन किसका था, आप पढ़ सकते हो इसको, ये रोमन में लिखा गया है, आप जानते हो कि नहीं। अगर इस तरीके से लिखा आ जाता क्या करोगे, कभी कभी पूरा लिखा आ जाता है कि लुई सोलहवां, यहाँ पर मैंने लुई नहीं लिखा है तो आप लिख लेना, ठीक है, लुई सोलहवां, तो ये आपका हो जाता है, यही आपका सही भी है, ठीक है, लुई सोलहवां, तो ये आपका सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा आ जाता है, देखिए प्रश्न नंबर 5, नेपोलियन का संबंध किस देश से था, आप बता सकते हो नेपोलियन का संबंध किस देश से था, ठीक है, हमारा प्रश्न नंबर 5 है, तो बता सकते हैं आप। तो नेपोलियन का संबंध देखिए जर्मनी से था कि फ्रांस से, इटली, इंग्लैंड, किससे था, तो भाई आपका फ्रांस से था, ठीक है, नेपोलियन का संबंध तो आपका फ्रांस से था। आगे बढ़ते हैं, तो आपका ये हो जाता है, ठीक है, तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो भाई नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की, मतलब न्यू एक प्रकार से, मतलब शुरुआत किसने की, उसके बाद सराय तो दूसरे को ही जाएगा, लेकिन भाई शुरुआत किसने की, तो शुरुआत आप क्या बता सकते हैं किसने की, तो आपका शुरुआत मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, जर्मनी के किस वर्ष स्वतंत्र, सॉरी यहाँ पर जर्मनी के एकीकरण आधारशिला किसने, हाँ तो आपका नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन याद रखना आपकी भाई, अगर आपसे पूछ ले कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, मतलब अगर पूछ ले बहुविकल्पी टाइप में, तो वो आप ऑटोवन बिस्मार्क पर चिन्ह लगाएंगे, ऑटोवन बिस्मार्क, ठीक है, मतलब श्रेय जाता है, लेकिन इन्होंने नींव रखी थी, शुरुआत इन्होंने की थी, उसके बाद ऑटोवन बिस्मार्क ने उसको आगे बढ़ाया, तो इसीलिए उनको श्रेय जाता है, ठीक है, तो आप इस तरीके से कंफ्यूज मत रहना। आगे बढ़ते हैं, जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया, क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1871 की 1872 क्या हो जाएगा, 1876 1780, तो आपका हो जाएगा 1871, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं,
आगे आपका आठवां हो जाता है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक क्या आप बता सकते हैं? तो मैं आगे नहीं किया था, तो यंग इटली का सोसाइटी का संस्थापक, ठीक है, तो गैरिबाल्डी और बिस्मार्क, काबूर, मैजिनी कौन था, तो क्या आप बता सकते हैं? तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका मैजिनी, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? तो ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई, मतलब फ्रांस में गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है एक प्रकार से, फ्रांस में मतलब गणतंत्र जो हमारे मतलब संविधान कब लागू हुआ, ये किस घोषणा कब हुई ना संविधान बनाने के लिए, तो गणतंत्र संविधान का मतलब ही है। तो ये आपका पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप क्या बता सकते हैं? 1815, 1830, 1848, 1871, तो ये हो जाएगा 1848, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। चलिए अब अति लघु उत्तरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अब आ जाते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न की ओर। ये आपके दो नंबर के पूछे जा सकते हैं और जो बहुविकल्पी टाइप प्रश्न थे वो एक नंबर के, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन मैंने छांट लिया है जो इम्पोर्टेंट है, जो आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो मैंने ले लिया है। और भी क्वेश्चन है उनको मैं आगे चल के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर है जनमत संग्रह क्या है, मैंने ऐसे क्वेश्चन लिया है ताकि आपको भविष्य में भी काम आए, आप देख सकते हैं। मैंने ऐसे नहीं लिया कि किसी का नाम आप याद कर रहे हैं, किसी का जन्म याद कर रहे हैं या कोई डेट याद कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। देखिए यहाँ पर मैं हमेशा खिलाफ रहता हूँ, आप जानते हैं डेट वोट के, ठीक है। तो ये है आपका जनमत संग्रह क्या है, तो जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है। और मैं आपको बताना चाहूँगा बोर्ड एग्जाम में डेट वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं पूछे जाते, ठीक है, मतलब कॉमन सेंस वाले होते हैं कि आप सोच कर लिख सकें, ठीक है, तो ये होता है। तो जनमत संग्रह क्या है आप बता सकते हैं? तो जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसमें एक क्षेत्र के सभी लोगों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या स्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। देखिए जनमत संग्रह बोलने से ही पता चल रहा है, जनमत संग्रह लोगों द्वारा मत देना, संग्रह बनाकर मतलब एक क्षेत्र के, तो इसका मतलब क्या है, कोई एक क्षेत्र है वहाँ के लोगों को चुना जाता है और लोगों से पूछा जाता है कोई प्रस्ताव पारित करना है या नहीं। जैसे मुझे वसूली करना है गांव में 10 रुपये, ठीक है, मान लीजिए 20 रुपये हर व्यक्ति से, तो वो गांव से पूछा जाएगा कि क्या हम वसूली करें, तो वहाँ पर वोटिंग की जाएगी, अगर वोटिंग ज़्यादा आ गई तो हम करेंगे, वोटिंग कम आ गई इतना ही करेंगे। तो इसी तरीके से आपका जनमत संग्रह हो जाता है, तो ये प्रत्यक्ष ही होता है कि भाई किसने किस किधर, मतलब हमने बोल दिया कि आप जो पैसे मतलब देना चाहते हैं हमें, मतलब हम 20 रुपये मान लीजिए चंदा ले रहे हैं, ठीक है, तो जो देना चाहते हैं वो एक तरफ हो जाए, तो नहीं देना चाहते एक तरफ, तो जो देना चाहते हैं अगर ज़्यादा हो गए तो वो जीत गए और जो कम हो गए वो हार गए। तो ये आपका जनमत संग्रह इस प्रकार से होता है, कोई भी प्रस्ताव हो सकता है वो कोई भी, ठीक है, तो ये हो जाता है। किसी को सजा देना, उसको माफ करना, ये भी हो सकता है, ठीक है, कोई क्षेत्र के लोगों से पूछे। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका उदारवाद क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदारवाद क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, बार बार ये शब्द अटकता है आपके मतलब वर्ड में, आपके मतलब एक प्रकार से कह दीजिए हमेशा, ठीक है, उदारवादी क्या है, उदारवाद से आप क्या समझते हैं, ये इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, उदारवाद का अर्थ क्या है, तो आप यही लिख देना, ठीक है। किसी भी तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करो, इन्हीं सबको लिखना पड़ता है। तो ये आपका उदारवाद से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए उदारवाद यानी लिबरेशन, ठीक है, उदारवाद का मतलब होता है लिबरेशन अंग्रेजी, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता, लिबरेशन मतलब फ्रीडम एक प्रकार से, ठीक है। अब आगे देखिए, नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। इसका मतलब क्या है कि उदारवाद हर जगह लागू होता है, हमारे देश में भी उदारवाद अभी भी है क्योंकि सब लोग स्वतंत्र हैं और सब लोग आज़ाद हैं, ठीक है, तो उदारवाद एक प्रकार से, उदारवाद का मतलब है स्वतंत्रता, सिंपल समझिए। और स्वतंत्रता पाने के लिए, स्वतंत्रता तब हम पाएंगे जब सभी की बराबरी होगी, सभी एक दूसरे के खिलाफत नहीं करेंगे, एक दूसरे के मार काट नहीं करेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है, तो उसी का मतलब है उदारवाद। तो ये आप पढ़ लेना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आ जाता है जर्मनी राष्ट्र का रूपक क्या था और वह किस बात का प्रतीक था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा था, मैंने ले लिया, ठीक है। तो देखिए जर्मन राष्ट्र की रूपक जर्मेनिया थी, इसका मतलब क्या है भाई, जर्मेनिया वहाँ की जो थी वो जर्मन राष्ट्र की रूपक थी, कोई स्त्री रही होगी तो वही है, ठीक है। आगे अपनी अभिव्यक्तियों, यहाँ पर एक मतलब अच्छी अभिव्यक्ति बोल लीजिए, बस अपनी अभिव्यक्ति, बहुत अच्छी अच्छा वर्ड है, ठीक है, अपनी अभिव्यक्ति, तो ये आपका उदारवाद हो जाता है। यहाँ पर मतलब अपनी अभिव्यक्ति, अपनी अभिव्यक्ति दर्शाना एक प्रकार से, ठीक है,
कोई भी चीज़ है भाई अपने अभिव्यक्ति दर्शाएगा तो वही तो आपका हो जाएगा। तो देखिए अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, चाक्षुष इसमें लिखा गया है एक बुक में, लेकिन चाक्षुष अब मैं आपको समझा दूँ कि अपनी अभिव्यक्ति यानी एक प्रकार से खुशी जिसमें मिलती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पढ़े हो कि नहीं कुछ आप संविधान में, ठीक है। तो ये आपका जर्मन राष्ट्र की रूपक जर्मेनिया थी, अपनी चाक्षुष अभिव्यक्तियों में मतलब एक अनोखी अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। बलूत वृक्ष था जर्मेनिया में, जर्मनी में, वो उनके पत्तों का मुकुट पहनती थी, ठीक है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक था, मतलब वो वीरता का प्रतीक था, तो दिखाने के लिए कि देखो मैं भी वीर हूँ तो पहनती थी, ठीक है। सोच होती है सबके अलग अलग। आगे बढ़ते हैं, निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है या निरंकुशवाद का अर्थ लिखिए। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, निरंकुशवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो ठीक है कुछ भी आ सकता है तो आप इसी को लिख देना या बना कर लिख सकते हो। मैंने बहुत सिंपल भाषा में आप लिखे हैं क्वेश्चन, आप जानते होंगे और आप पढ़ रहे होंगे तो आपको आसानी हो रही होगी याद करने में। तो देखिए यहाँ पर है, एक ऐसी शासन व्यवस्था या सरकार, कोई भी एक ऐसी शासन व्यवस्था या सरकार जिसका सत्ता पर कोई नियंत्रण या अंकुश नहीं होता, ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती, ये सैन्य बल पर आधारित दमनकारी सरकारें होती हैं। जैसे आप चीन की सरकार ले सकते हैं, चीन में आप जानते हो वहाँ पर हमारा संविधान नहीं है, मतलब है, मतलब डिक्टेटरशिप एक तानाशाही है अभी भी, ठीक है। किंग जोंग उन कौन सा है, वो तो वहाँ का है, उत्तर कोरिया का, पता नहीं वहाँ का सी जिनपिंग कौन सा है, ठीक है। तो वो है, तो देखिए एक ऐसी शासन व्यवस्था या सरकार जिसका सत्ता पर कोई नियंत्रण या अंकुश नहीं होता। देखिए भाई उसका तो अंकुश नियंत्रण है, तो वो तो भाई निरंकुशवाद नहीं हुआ चाइना, क्योंकि वो तो किसी को भी चाह लेता तो कुछ भी कर देता है। मतलब देखिए जैसे पाकिस्तान ले लो ससुरा को, मतलब पाकिस्तान आप ले लो बस, ठीक है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं कोई भी है, कहीं पर भी नियंत्रण नहीं है, वो बोलेंगे कि अपनी सेना को कि भाई भारत पर हमला करो तो वो पाकिस्तान पर ही हमला कर देंगे, और बोलेंगे पाकिस्तान पर करो तो इंडिया में कर देंगी, मतलब कोई बात मानने वाली नहीं है। आप मत करो तो मुझे करना है तो करना है, इस तरीके से सेना पर नियंत्रण ही नहीं होता। तो देख सकते हो यहाँ पर एक ऐसी शासन व्यवस्था या सरकार जिसका सत्ता पर कोई नियंत्रण या अंकुश नहीं होता। नियंत्रण मतलब ही अंकुश सत्ता है, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी का अगर हमारी सेना बात मानना टाल दे, क्योंकि सेना के प्रमुख हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, तो अगर टाल दे, राष्ट्रपति भी होते हैं कुछ हद तक, तो देखिए अगर टाल दें तो क्या करेंगे, तो वहाँ पर ये निरंकुशवाद हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे यहाँ क्या स्वतंत्रता है और निरंकुशवाद अभी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी शासन व्यवस्था या सरकार जिसका सत्ता पर कोई नियंत्रण या अंकुश नहीं होता, ऐसी सरकार, अब देखिए अंकुश ही नहीं है भाई, ना तो जनता पर है ना तो सेना पर है, तो भाई वहाँ पर स्वतंत्रता कैसे हो सकती है, वहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी कैसी हो सकती है। दूसरी बात वहाँ पर लोग एक दूसरे से कैसे, मतलब एक दूसरे को काट मार करने लगेंगे भाई, जातिवाद पर लड़ने लगेंगे, अभी भी लड़ रहे हैं लेकिन हिंदू मुस्लिम ऐसे कुछ, लेकिन नहीं करना चाहिए, इस तरीके से हो जाता है। तो ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती, भाई जनता के अनुकूल कार्य ऐसी सरकार नहीं कर पाती है, वो अपने जो सेना के बल पर मतलब जनता पर अत्याचार करती है एक प्रकार से। जैसे आप कहाँ का था वो याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो जेम्स द्वितीय तानाशाह कहाँ कौन सा था, ठीक है, तो जर्मनी का तानाशाह, ठीक है, हिटलर, हिटलर याद आ गया, हिटलर, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये सैन्य बल पर आधारित दमनकारी सरकारें होती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, मैंने अपनी भाषा में लिखा है, आप देख सकते हैं, कहीं पर भी इनका आंसर नहीं पाओगे, पाओगे तो भी मिलता जुलता थोड़ा बहुत पा जाओगे, लेकिन एकदम सिंपल भाषा मैंने आपको बता दिया। तो आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड होगी, तब तक के लिए जय हिंद।